हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। तो जैसा हम देख रहे हैं, सर्दियों का सीज़न आ चुका है और लगभग हर जगह ठंड पड़ने लगी है। ठंड की वजह से हम तो ठिठुरते ही हैं, साथ साथ हमारे प्लांट्स भी ठिठुरने लगते हैं। तो सबसे प्लांट जो हमारे हर किसी घर में मिल जाता है, तुलसी का पौधा, जो पूजनीय तो माना जाता है, साथ साथ इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं जो हमें सर्दी, खांसी, जुकाम और बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। सिर्फ एक ऐसा प्लांट है जो हर किसी घर में आसानी से मिल जाता है, तो ये है मेरा बिग साइज तुलसी प्लांट, जिसे मैंने बीज से ही उगाया था और लगभग 2-3 साल से ये मेरे प्लांट में लगा हुआ है, प्लांटर में लगा हुआ है। और अब बारी आती है कि हम इस प्लांट को विंटर में कैसे केयर करें, कैसे इस प्लांट को हम आसानी से सर्दियों से बचा सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा प्लांट है जो सर्दियां आने पर धीरे धीरे इसकी लीव्स बर्न होना शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है, प्लांट ख़राब हो जाता है, यानी कि हमारी जो तुलसी होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। ये तो एक बड़ा प्लांट है फिर भी सर्वाइव कर जाता है, लेकिन जो छोटा तुलसी का प्लांट है, जो छोटे गमले में लगा है, वो कहीं ना कहीं मर जाता है और हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी केयर की। तो जानते हैं हम इसकी केयर कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्टली, जैसा हम देख रहे हैं इस टाइम इस पर मंजरी आई हुई है, मैंने बहुत सारी तोड़ दी है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगी हुई है। जब हमारा प्लांट सीड पे आ जाता है, यानी कि सीड जनरेट करने लगता है, तो अपनी सारी एनर्जी सीड्स बनाने में लगा देता है। देखिए, आप देख सकते हैं, और जब प्लांट सीड्स बनाना शुरू कर देता है तो उसकी सारी एनर्जी सीडलिंग में चली जाती है, सीड्स बनाने में चली जाती है, लीव पर, न्यूट्रिशन पर, प्लांट की अदर ब्रांचेस पर उसका ध्यान नहीं जाता। तो फर्स्टली आप विंटर में अपने प्लांट से, ये देखिए इस तरीके से जो भी मंजरी है, यानी कि जो इसके बीज हैं, उन्हें हटा दीजिए, क्योंकि अगर आप जितना इन्हें हटा देंगे, आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं नेक्स्ट टाइम तुलसी उगाने के लिए, तो उतना ही जो आपका प्लांट है वो पत्तियों की तरफ ध्यान देगा और आपका प्लांट हरा भरा रहेगा, सूखने से बच सकता है। दूसरी केयर आती है तुलसी। तुलसी एक ऐसा प्लांट है जिसे बहुत ज़्यादा ठंड पसंद नहीं है, दूसरा ये सर्वाइव भी नहीं कर पाता है। तो आप इसे किसी कपड़े से ढक सकते हैं, यानी कि आप किसी कॉटन के कपड़े से या किसी ऐसे ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं जिससे इसे डायरेक्ट फॉग में या फिर डायरेक्ट ठंड में ना रहना पड़े। दूसरा, वाटरिंग। आप प्लांट में वाटरिंग का ध्यान रखें, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी डालकर, रोज़ डालकर प्लांट को सॉगी बनाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी आप इसमें डालेंगे, प्लांट ठंडा रहेगा तो भी इसकी जो लीव्स हैं वो कर्ल होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद जो आपका प्लांट है वो फिर धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है। तो तुलसी के प्लांट के लिए आप सबसे पहले धीरे धीरे इसके जो सीड्स हैं उनको तोड़कर गिरा दें। बाकी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपकी तुलसी ऑल टाइम, यानी कि इस सीज़न में भी आसानी से रह सकती है। तो तुलसी के प्लांट को केयर की भी ज़रूरत है, साथ साथ देखिए इधर मेरे प्लांट पर थोड़ा बर्निंग शुरू हो गई है, तो मैं भी इसे आज या कल में किसी कपड़े से ढकने वाली हूँ। तो प्लांट, तुलसी के प्लांट को अगर आप तो फ्रेंड्स अगर आप तुलसी के प्लांट को बचाना चाहते हैं सर्दियों में, तो आप इसके बीजों को तोड़िए, इसमें थोड़ा सा खाद डालिए ऑर्गेनिक, क्योंकि हम इसे चाय बनाने में या अपने घर में किसी मेडिसिनल फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसमें अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं तो ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि अगर हम मार्केट से लाए हुए कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हमारी हेल्थ पर्पज़ के लिए ठीक नहीं रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप तुलसी को ढक कर, उसके बीजों को तोड़ कर, उसकी ठंड का ध्यान रख कर, वाटरिंग का ध्यान रख कर सर्दियों में बचा सकते हैं और अपने प्लांट को लंबे टाइम तक के लिए ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी तुलसी से रिलेटेड कोई भी और क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।